जेएमएम और कांग्रेस के पास झारखंड के विकास का कोई न रोड मैप है, न इरादा है, न कभी भूतकाल में कुछ किया है। अगर वो जानते हैं तो उनको एक ही बात का पता है, एक ही बात का, बस जहां भी मौका मिले भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, यही कर रहे हैं। और भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को तो देश का विरोध करने की आदत हो गई है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं कि भारत का कर रहे हैं। सीमा रेखाएं लांघ देते हैं। साथियों, आपने समाचारों में देखा होगा कि हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, और इस बदलाव के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो वहां लघुमती में थे, वो अलग धर्म का पालन करते थे, अलग पंथ के अनुयायी थे, इसलिए वहां उन पर जुल्म हुए, उनका जीना मुश्किल हो गया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत मुश्किल हो गई। ये तीन देशों से हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, उनको वहां से अपना गांव, घर, परिवार, दोस्त, यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शरणार्थी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके जीवन को सुधारने के लिए इन गरीबों को प्रति सेवा भाव से उनको सम्मान मिले, इसलिए भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीबों के लिए निर्णय किया, नागरिकता का निर्णय किया। लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, अगर समझ सकते हो तो समझो, आप ये जो कुछ कर रहे हो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो। आज जो ये आगजनी फैलाने के प्रयास हो रहे हैं उसको आप आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। देश उन्हें देख रहा है और देश का विश्वास पक्का हो जा रहा है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। हमारा फैसला सही है, यह आपके इन कारनामों से पता चलता है। और इसलिए जो कोशिशें की जा रही है, मैं आसाम के नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों का सर झुका करके अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हिंसा करने के इरादे वालों को अलग कर दिया, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात बता रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़े, ऐसा व्यवहार आसाम नॉर्थ ईस्ट कर रहा है। अपना गीला शिकवा भी बता रहा है। यही तो लोकतंत्र है। आप हैरान हो जाएंगे, लंदन में भारत का दूतावास है, देश का दूतावास है, 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करता है। जब राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ, पाकिस्तान वालों ने जाकर के लंदन में भारत के एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया। धारा 370 का निर्णय हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने लंदन में हाई कमिश्नर के सामने जाकर के प्रदर्शन किया, हिंसक वारदातें भी की। आप हैरान हो जाएंगे, जो काम लंदन में हमेशा पाकिस्तान करता रहता है, पाकिस्तान के पैसों से कुछ बिकाऊ लोग करते रहते हैं, पाकिस्तान से आकर के जो लंदन में बसे हैं वो लोग करते हैं। पहली बार जो काम पाकिस्तान हमेशा करता था, ये कांग्रेस वालों ने किया। बताओ, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्या दुनिया के देशों में भारत की ही एम्बेसी के सामने कभी कोई भारत का व्यक्ति प्रदर्शन करता है क्या? अगर गीला शिकवा है तो जाता है अंदर, कमरे में बैठता है, चाय पीता है, बात बताता है, और एम्बेसी उस जो कागज होते हैं वो भारत सरकार को पहुंचा देती है। दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम हो रहा है, और तब जाकर के लगता है कि भारत की संसद ने नागरिकता के कानून में जो सुधार किया है वो हजारों प्रतिशत सच्चा निर्णय है। वो आपके कारनामों से अब सिद्ध होने लगा है। साथियों, देश का भला करने की, देश के लोगों का भला करने की इन कांग्रेस और उसके साथियों से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही सार्वजनिक जीवन में आए हैं।